أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا مريم قنتي لرب بك واسجدي وركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يخفل تصيمون. اذ قالت الملائكه يا مريم ان الله يبشرك بكلمه اسمه المسيح عيسى بن مريم وديها في الدنيا والاخره ومن المقربين. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت ربي انا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء اِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَ وال التوراة والإنزيل صدق الله العظيم ايه نمبر 10 يا مريم يا مريم اقنطي اتاتكر की अपने रब के लिए वसजुदी और सजदा कर और रकू कर रकू करने वालों के साथ पिछली आयत में जो कल हमने आखिरी आयत पढ़ी थी उसमें अल्लाह तबारक वाले ने इर्शाद फरमाया के अल्लाह ने फरिश्तों के ज़रिए हज़रत मियम को यह पैगाम दिया कि बेशक अल्लाह तपको बरगुजीदा बना लिया है और तुझे पाक कर दिया है और सारे जहान की औरतों में से तेरा इंतख किया है इसदत और इस एज़ाज़ के बाद अल्लाह तबारक व ताली ने इस आयत में हज़रत मरीम को ये बात कही कि इतनी बड़ी सदत और एजाज और मकाम व मरतबा मिलने के बाद हक ये बनता है कि आप अपने रब के सामने झुक जाए उसी की आताज करें उसके सामने सजदा करें और रुकू करने वालों के साथ रुकू करें यानी इसका मतलब ये हुआ कि इंसान को अल्लाह तब किसी नेमत से नवाजे और मुसलसल अल्लाह नवाजता रहता है तो उसका हक़ ये बनता है कि वह और अपने रब के करीब हो जाए और आज से अख्तियार करें और इनकी सारी इख्तियार करें अल्लाह की नमतें मिलने के बाद इंसान गुरूर में ना आए फ़्र में ना आए और अपने आप को कुछ बड़ी चीज़ ना समझने लग जाए इसीलिए बाबा भुल् शाह कहते थे उनका एक मशहूर शेर है कि बंदिया न कर मेरी मेरी न तेरी न मेरी इसका मतलब ये है कि इंसान ये जो कहता रहता है हर वक्त मेरा 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 माल मेरा घर मेरी गाड़ी मेरी कंपनी मेरी फैक्ट्री मेरा बैंक बैलेंस मेरे प्लाट्स मेरा स्टेटस तेरा कुछ भी नहीं है ये सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ तेरे पास अमानत है और ये अमानत आज तेरे पास है कल आपसे पहले किसी और के पास हुआ करता था ये सब कुछ और तेरे बाद इसके वारिस कोई और लोग होंगे अगर नहीं यकीन तो उन वरासा को जाकर कब्रस्तान में आप देख सकते हैं कि जो आज तुझसे पहले इन्हीं इसी घर के मालिक थे इन्हीं गाड़ियों के वो मालिक थे इन्हीं बैंक बैलेंस के वो मालिक थे तो ये अल्लाह का निज़ाम है जब उसे कोई जितनी बड़ी नेमत दी जाए उसे चाहिए कि वह अपने रब के और करीब हो जाए आयत नंबर चवालीस ये गैब की खबरों में से है नो ही हमने उसको वही किया है इले का तेरी तरफ ए मोहम्मद अलैहि वसल्लम। वमा सल्लाम तो उनके पास न था इजयल खून अकला महुम जबकि वो अपने कलम डाल रहे थे अयुम यकफुल मरियम के मरियम की कफालत कौन करेगा कलम डालने से मुराद कुर्र कर रहे थे वो मैं कुंत और ना तो उनके झगड़े के वक्त उनके पास था इस यख तमून जब वो झगड़ रहे थे यानी कलम डालने और अंदाजी करने का मतलब ये है इस अंदाजी की ज़रूरत इसलिए पेश आई थी कि हज़रत मरियम की वालदा ने उनको अल्लाह के काम के लिए हैकल की नज़र कर दिया था पहले आप पढ़ चुके हैं कि जब इमरान की बीवी ने कहा था कि मैंने अल्लाह अपनी इस बेटी को तेरे लिए वक्फ कर दिया है और वो हैकल में जाकर मुसलसल इबादत करती थी और चूंकि वो लड़की थी इसलिए ये एक नाजुक मसला बन गया था कि हैकल के बहुत सारे मुजावर हैं उसमें से किसकी सरपरस्ती में वो रहे आयत नंबर पैंतालीस इस, इस कौल मलाम जब फरिश्तों ने कहा या मरुयमु ए मरियम बेशक की वो तुझे खुशखबरी देता है बी मिन्हु अपने तरफ से एक कलमे की इस्मुहु उसका नाम ईसा बिन मरियम मसीह बिन मरियम है वजीहन वो जिया़त है फिर दुनिया दुनिया में आखिरती और आख़रत में वमिनलमकरबीन और वो मेरे मुकर्रबीन में से है यानी इस कल मिन्हु की खुशखबरी का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने हज़रत तज़रत मरियम्सातम के बतन और पेट को हुक्म दिया कि वो बग़ैर किसी शख्स के मिलने के वो अल्लाह के हुक्म से एक बच्चे को जन्म दे आयत नंबर फोर्टी सिक्स में फरमाया वन्नासा और वो कलाम करेगा लोगों से फिल्म महदी अपने गहवारे में वकह लन और अधेड़ उम्र में भी व मिनसाल और नेक लोगों में से वो होगा ये खूबियाँ और सिफात बयान की जा रही हैं जरत मरियम रबी ए मेरे रब अन्ना ये कैसे मुमकिन है यकून ली वाल मेरे यहां कोई लड़का हो सकता है वलमय सी बशर हालांकि मुझे तो किसी इंसान ने हाथ तक भी नहीं लगाया काला, तो अल्लाह ने फरमाया अल्लाह ताला करता है यख्लुकों पैदा मा यशाऊ जो वो चाहता है इजाकवा जब वो फैसला कर लेता है अमरन किसी काम के करने का फ्ना मापस बेशक वो यकूलू लहू उस काम से कहता है कुन हो जा कून। तो पस वो हो जाता है यानी हजरत मरियम ने यह बात कही बावजूद इसके कि किसी मर्द ने अल्लाह ने फरमाया कि तुझे हाथ नहीं लगाया इसके बावजूद तेरे यहाँ बच्चा पैदा होगा यही लफ्स का ऐसा ही होगा हजरत जक्रिया के जवाब में भी यही कहा गया था उसका जो मफहम वहां है वो यही मफहम यहाँ भी है अलबतः बात का फिक्र पिछला और अगला सारा बयान इसी माना की तायद करता है कि हजरत मरियम को सिनफी मवासलत के बगैर बच्चा पैदा होने की बशारत दी गई थी और फिलवा इसी सूरत से हजरत ईसी की पैदाइश हुई वगरना अगर बात यही थी कि हज़रत मरियम सलाम के यहाँ उसी मरूफ़ फित्री तरीके से बच्चा पैदा होने वाला था जिस तरह दुनिया में औरतों के यहाँ हुआ करता है और अगर हजरत ईसा की पैदश फिलवा उसी तरह होती तो ये सारा बयान कति मोमल ठहरता है जो चौथे रुकू से छठे रुकू तक मुसलसल चला आ रहा है और वो तमाम बयान भी बेमाना करार पाते हैं जो विलादत मसीह के बाब में कुरान के दूसरे मकामा पर हमें मिलते हैं ईसाइयों ने हज़रतम इस को इला और इबन इसी वजह से समझा था कि उनकी पैदाइश गैर फितरी तौर पर बग़ैर बाप के हुई थी और यहूदियों ने हज़रत मरियम पर इल्ज़ाम भी इसी वजह से लगाया कि सब के सामने ये वाक़ पेश आया था कि एक लड़की गैर शादी शुदा थी और उसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ अगर ये सिरे से वाक़ ही ना था तब इन दोनों ग्रोहों के ख्याल की तरदीद में बस इतना कह देना बिल्कुल काफी था कि तुम लोग गलत कहते हो वो लड़की शादी शुदा थी फला शख्स उसका शौहर था और उसी के नुतफे से आयिशा पैदा हुए थे यह मुख्तसर सिंह दो टोक बात कहने की बजाय आखिर इतनी लंबी तमहीद उठाने और पेच तरपेच पाते करने और साफ साफ मसीह बिन फ़लां कहने की बजाय मसीह मसीबिन मरियम कहने की आखिर जरूरत थी जिससे बात सुलझने की बजाय और उलझ जाए बस जो लोग कुरान को कलामुल्लाह मानते हैं और फिर मसीह के मुतालिक ये भी साबित करने की कोशिश करते हैं कि उनकी विलादत हसब मामूल बाप और माँ के इत्तिसाल से हुई थी वो दरअसल साबित ये करते हैं कि अल्लाह ताला इजहार माफिस ज़मीर और बयान मुद्दा की इतनी कुदरत में नहीं रखता जितनी ये लोग खुद रखते हैं और आयत नंबर अड़तालीस में फरमाया वीमुल किताब اور وہ سکھائے گا تمہیں کتاب والحکمہ اور حکمت اور, تورات اور انجیل وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين